मालूम नहीं कहाँ होंगे जहाँ होंगे उससे क्या जानने दे जहाँ नहीं क्या करना क्या हो रहा है यहाँ पर कुछ तो नहीं कुछ नहीं क्या बात है आप घबराए इस छोकरे को लेकर के यहाँ मर रही है साली तीन दिनों के शक्ल नहीं दिखाया तू औरत है मेरी तू औरत है यही तेरा धर्म है नालायक कहीं की मंजीत किधर है मंजीत यहाँ नहीं आया स्वामी जी क्या हुआ मंजीत को मंजीत यहाँ भी नहीं आया सीता मैं अपने कमरे में मंजीत को लेकर के सो रहा था तो क्या हुआ मंजीत मेरे ही बेड पर सो रहा था अचानक मेरे को नींद आई और ख्वाब में देखता क्या हूं कि एक भूतनी आ गई भूतनी हाँ इस बिल के अंदर एक घोस्टली वंडरिंग शूल आ गई डर लग रहा वो बिल्कुल व्हाइट क्लॉथ में थी सफेद लिबास में थी बड़े बड़े नाखून थे उसके और बड़े बड़े दांत थे मुंह से खून की लारें टपक रही थी वो मेरे नियर में आकर के खड़ी हो गई और यूं यूं करने लगी यूं यूं मैं डर गया खौफ से मेरी आंख खुल गई और जब आंख खुली तो देखता क्या हूं कि मंजीत बेड से गायब हो गया मंजीत गायब हो गया लेकिन मेरा बेटा कहाँ जाएगा लगता है मेरा बेटा अपनी पत्नी के गम में मेरा घर छोड़ करके चला गया पिताजी इस हालात में वो कहाँ जाएगा देख बच्चा बात करने का समय अब नहीं है तू यहाँ से जा अभी नौजवान है तू और जा करके दौड़ दौड़ लगा उसे पकड़ करके ले आ मैं समझाऊंगा ठीक है बाबू जी मैं जा रहा हूँ दूर नहीं और खोज कर मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगा मैं जा रहा और सावित्री तुम मेरे पास खबरदार हिलना नहीं आंख खोल पहचान राका डाकू आ गया तेरे महल दर इसी खंभे में बांध दो ये क्या होने जा रहा भैया देखो परेशान ना करो हम लोग खुद ही परेशान हैं लुटेर का करो तू सारे घर लूला लंबरदार में घर मिला गौर ठाकुराइन मेरी तरफ कीजिए गौर ठाकुराइन माल झरला सारा हाजिर करो इस हवेली की जालिम सितम करे तू बहू के सारे जेवर मुखातिब करो ओ इस हवेली की जालिम सितम कर है तू बहू के सारे जेवर मुखातिब
हवेली की ये वो नागन है। नागिन अरे जग्गा, जरा हाथ की खुजली मिटा। अगर जान जान प्यारी है तो सारी दौलत लाकर हाजिर कर। जेवर नहीं ना भैया, हमार पतोहू सब जेवर लेके को लड़का के साथे भाग। जेवर हो तो हम दे दे जेवर। गोली नहीं चलाना। अरे काम चलाए तेरा ये छोकरा। साथियों मार दो गोली। गोली नहीं चलाना। देखो हवेली में कुछ नहीं है, सब बहुरिया लेकर भग गई है। लेकिन जो कुछ है मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अब गोली नहीं चलाना। और डाल दूंगा नाल। एक बात बताए खूंदा बहुत मन दिमाग चलाने लगा। ऐसी नागन का फन कुचल देना है। जवन पड़वा हथौड़ान है सब जने गांव में नहीं जान के लंबरदार का की मारत हां एक और जने जान को। अरे लंबरदार इन बनी घूम रही है, महक को करूं लो बराबर नहीं। लंबरदार इन बनी घूम रही है, ये लंबरदार इन बनेगी। साथियों अब ये बाप बेटे आधा गांव है तब तक। ये नागन हमेशा के लिए दुनिया से चली गई। साथियों ये रोना धोना बंद नहीं करेगी। ये रो रहा है या पैर दाब रहा है? उड़ाओ इस नागन की लाश को, उठाओ और हवेली के बाहर फेंक दो ताकि इसकी लाश को चील कर वे नोच कर खा जाए। अरे जालियो कम से कम मेरी पत्नी की लाश तो दे दो बाबू, बर्बाद मत करो। अरे ठाकुर ए लाश तो दे दो बच्चा, ए लाश तो दे दो बच्चा। Ha ha ha!
कहा ये तुमने क्या कर दिया, जो कुछ था मैंने तुम्हें दे दिया, फिर मेरी माँ को गोली क्यों मार दिया। खेल तो अब शुरू हुआ है। आखिर हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है राका? अब देख कि हवेली से कितनी लाशें निकलती है। और मेरी दुश्मनी क्या है हे राका मैं ताबो। दुश्मनी क्या है राका बताओ, और मेरी छोटी दुनिया नहीं तुम मिटाओ। क्लिक दू हवेली अगर चाहो राका, लिख दूं हवेली अगर चाहो राका, और तेरे हाथ छोड़ू मुझे ना सलता। पापी तू उसे खड़ी जिंदा दुनिया में छोड़ू ना काफिर, तुझे जिंदा दुनिया में छोड़ू ना काफिर, और भुला दूंगा तेरी सभी है वाकई में मैं खूनी हूँ पापी, लेकिन मुझ पर रहम करो राका, मेरी गलतियों को माफ कर दो। अरे नागराज, रहम तीर में है, रहम तलवार में है, ये तेरे लिए राका के अंदर कोई रहम नाम की चीज नहीं है। तुझे एक मौका दूंगा, अगर अपनी हवेली से भागकर जान बचाना चाहता है तो बचा ले। शर्त यह होगी कि भागने में तू सफल हो गया तो तेरी जान बच जाएगी, और ना भाग सका तो मेरी गोलियों का निशाना बनेगा। पिताजी मुझे बचा लो, पिताजी बचा लो बाबू जी। कोई फायदा नहीं है बेटा, मैं इसकी अंतः भावनाओं को समझ चुका हूँ। ये डाकू रोबर है नहीं, ये होते ही ऐसे क्रूर टाइप के होते हैं। ये तेरी माँ को मार दिया, तेरे को मारेगा और मेरे को भी खत्म करेगा, क्योंकि लोगों के अंदर रहम नहीं होता है।
तू नौजवान है, तू यहाँ से भाग और मैं इसको देखता हूँ। तू कम से कम अपनी जान तो तो मेरी कुमार, मेरे बेटे को क्या मारेगा तू? मैं जाने नहीं दूंगा तेरे को। ठाकुर, दर्द हो रहा है। हाँ, दर्द नहीं, औलाद है। औलाद है। साथियों, ये नागराज भाग रहा है। जाओ, नागराज के दोनों हाथ काट कर फेंक दो। अरे जाओ, मेरे बेटे के हाथ पर घबराओ नहीं ठाकुर, मेरे हाथ पर घबराओ। मेरे हाथ पिताजी, मुझे बचा लो पिताजी, बचा लो ना, बचा लो की दुहाई, मुझे पानी खाना रहा बाबूजी, नहीं छोड़ दो मुझे, घबराओ नहीं बाबू, यमराज आएंगे बचाएंगे। मेरे बेटे की रक्षा करो बाबूजी। ठाकुर, इधर देख, ये तेरे बेटे के भुजा का लहू है। तेरे बेटे के दोनों हाथ नापाक थे, क्योंकि बहन बेटियों की तरफ बढ़ती थी, गरीबों की तरफ उठती थी। और ठाकुर, इधर थी, आज के बाद तेरे बेटे के दोनों हाथ काट कर फेंक दिए। तेरा बेटा जानवर बन गया। आज के बाद तेरा बेटा किसी के सामने हाथ फैलाकर भीख नहीं मांग सकता। एक टुकड़ा रोटी अपने मुंह के अंदर नहीं डाल सकता। हाथ फैलाकर भीख नहीं मांग सकता, क्योंकि उसे पूरी तरह जानवर बना दिया। क्या बन गया? तो ध्यान देकर राणा सुनो मेरी बात को। तेरे जानिब से राका महल आ गया। छोटा बेटा मंजीत तेरा है वो कहां? मारने सबको राका महल आ गया। बड़े बेटे के तो दोनों हाथ काट दिए, तेरा छोटा बेटा कहां है? तेरे छोटे बेटे के दोनों पैर काट दिया, तभी तो आत्मा को शांति मिलेगी। अरे बेदर्द जालिम, देखते ही तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दिया। मेरे सामने मेरी औरत को मार डाला, मेरे जवान बेटे के हाथों को काट करके पूरी तरह जानवर बना दिया। मैं तो नहीं जानता कि मेरा छोटा बेटा मेरे को छोड़ करके कहाँ चला गया। काश मैं जानता भी होता तो मैं तेरे को नहीं बतलाता। क्या करेगा, मारना है तो तू मुझे भी मार दे। देखो ठाकुर, मार डाल मुझे। अगर छोटे बेटे का पता ना बताया क्या करेगा तो अंजाम भयानक होगा। याद रखो, इतनी गोलियां तेरे जिस्म के अंदर मारूंगा कि सोलापुर गांव के लोग तेरे जिस्म को देखकर पहचानने से इनकार कर देंगे। वो ये नहीं समझ पाएंगे
कि वही जमींदार राणा है या कि दूसरा है। अरे बेदर्द, मौत का खौफ उन लोगों के अंदर होता है जिनके अंदर जीने की तमन्ना होती है। तूने तो मेरे को पहले ही मार दिया, अब मैं जानता हूं नहीं बताऊंगा। बोल क्या करेगा तू, क्या करेगा तू? मार डाल फेंका। अरे मारने वाले सुन मेरी बानी, मिटा सकता नारायण की जिंदगानी। कौन हो तुम? ये तुम्हारी आवाज, इतनी प्यारी सी आवाज, अड़ी रूह है रूह। पीछे तो मुड़कर हर खड़ी रूह है, देख पीछे तो मुड़कर हर जमींदारी रहता मेरी निगह वाली। तो ये है शैतानी हवेली की रखवाली कर रही है। करूंगी। ओ शैतानी, कान खोल कर सुन, राणा को छोड़ दूंगा, राणा की जान नहीं लूंगा, राणा को बचाने आई है। लेकिन राणा से बोल दे कि अपने छोटे बेटे का पता बताए, जब तक इसके छोटे बेटे मंजीत के जिसके चार टुकड़े नहीं करूंगा, ये राजा थाली बिधर नहीं जाएगा। मंजीत को मारने की, देखो राका, मैं तुझे भी समझा रही हूँ, चले जाओ, तुम्हारी जान बख्शूंगी। चला चला का, वरना मैं तुझे चबा जाऊंगी। बेटी तुम कौन हो? ये तुम्हारी बुलंद आवाज और इतना खतरनाक चेहरा देख करके तो मेरा कलेजा कांप रहा है। आखिर बिटिया कौन है जो आज उस खतरनाक जालिम से मुझ बूढ़े जमींदार की जान की हिफाजत किया? ऐसे ही शक्ल तो मैंने ख्वाब में देखा था, कहीं तू वही तो नहीं है? आखिर कौन है तू? अपना परिचय तो दे बेटा। अरे न घबरा वो बापू। बापू किसको बोल रही है तू? बहू तुम्हारी। न घबरा वो बापू, बहू दुलारी।
प्रिया हूँ जमी दो जिनारी बहू बेटी तुझे तो बतलाया गया था कि तू किसी दूसरे लड़के के साथ घर को छोड़ करके जेवरों को लेकर के निकल चुकी है, तो ये सब कैसा मैटर है? ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये सब कैसे हुआ? बाबूजी, क्या एक बार आप अपनी बिटिया को अपने गले से ले लगाओगे? बच्चा, ये क्या तुझे मर जाऊंगा? हाँ बिटिया, तू हमारी गुड़िया है रे। बाबूजी, आ मेरे सीने। बाबूजी मत घबराइए, मैं अभी इसे तोड़ देती हूँ। बाबूजी से टकरा करके मेरा सर फट गया बिटिया, अब मैं जी नहीं पाऊंगा, मेरा सर फट गया। जब तू प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने खड़ी है तो मेरी लाभ में क्यों नहीं आ रही है? एक बार कम से कम अपने पिता के सीने से लग गया। बाबूजी बाबूजी